इस अद्भुत गैलेक्सी में ना जाने कितनी घटनाएं घटी होगी। हम बात कर रहे हैं 6.6 करोड़ साल पहले की वो घटना जिसमें डायनासोर का अंत हुआ। 19वीं शताब्दी में पहला डायनासोर जीवाश्म मिला, तब से दुनिया भर के संग्रहालयों में डायनासोर के कंकाल टंगने लगे, जो प्रमुख आकर्षण बनने के साथ उनकी लोकप्रियता भी लगातार बढ़ने लगी। डायनासोर ने लगभग धरती पर 15 से 16 करोड़ साल राज किया। एक समय था जब पूरी दुनिया में इन्हीं का राज था, लेकिन यह जीव अचानक एक घटना से पूरी दुनिया से गायब हो गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर के अंत का कारण एक उल्कापिंड 7 करोड़ साल पहले मैक्सिको के प्रायद्वीप से टकराया। इस टकराव से लगभग 113 मील चौड़ा गड्ढा बन गया। तब पूरी पृथ्वी पर बहुत भयानक तबाही मच गई, जिसकी वजह से धरती पर सभी डायनासोर का अंत हुआ। जी हाँ दोस्तों, अद्भुत गैलेक्सी में आपका हार्दिक स्वागत है। डायनासोर के विभिन्न समूह थे। अभी तक वैज्ञानिकों को विभिन्न देशों से 2000 से भी अधिक प्रजातियों का पता था। कुछ डायनासोर शाकाहारी और कुछ मांसाहारी थे। डायनासोर यह नाम 1842 में ब्रिटिश जीवाश्म वैज्ञानिक सर रिचर्ड ओवेन ने रखा था। डायनासोर शब्द प्राचीन ग्रीक भाषा से आया, जिसका अर्थ भयानक छिपकली है। भारत में भी अनेक जगहों में डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं। मध्य भारत में डायनासोर के लगभग 1000 से भी ज्यादा अंडे पाए गए हैं। वैज्ञानिकों ने भारत में एक विशेष डायनासोर के प्रजाति की खोज की है, जो नर्मदा घाटी में लगभग 7 करोड़ साल पहले पाया जाता था। नेशनल जियोग्राफिकल की एक टीम ने नर्मदा नदी के इलाके में व्यापक खोज अध्ययन चलाया था। इस दौरान उन्होंने कुछ जीवाश्म हाथ लगे थे, ये डायनासोर की अलग प्रजाति थी। इससे जुड़ी अमेरिकी विशेषज्ञ पाल सेरोना का कहना है कि इस डायनासोर के सर की बनावट अलग तरह की है। इन वैज्ञानिकों ने इस डायनासोर का नाम राजासोरिस नर्मदेसिस रखा गया है, क्योंकि ये डायनासोर के अवशेष भारत में नर्मदा घाटी के पास पाए गए हैं। भारत में अनेक इलाकों में डायनासोर के जीवाश्म पाए गए हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मेघालय, गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन सब इलाकों में डायनासोर के जीवाश्म और अंडे पाए गए हैं। यह प्राणी ट्रायसिक काल के अंत यानी लगभग 23 करोड़ वर्ष पहले से लेकर क्रिटेशियस काल के अंत तक अस्तित्व में रहे। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर के अंत का कारण एक 5 से 6 मील व्यास की उल्कापिंड लगभग 7 करोड़ साल पहले मैक्सिको के प्रायद्वीप से टकराई। इस टकराव से लगभग 113 मील इतना चौड़ा गड्ढा बन गया, तब इससे पूरी पृथ्वी पर हुई बहुत तबाही, जिसकी वजह से धरती पर लगभग सभी डायनासोर का अंत हुआ। वैसे देखा जाए तो डायनासोर कैसे खत्म हुए, यह अभी भी एक रहस्य है। कुछ परिकल्पनाओं को अनदेखा करते हुए कुछ प्रमाण इन परिकल्पनाओं से मिलते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो मनुष्य और डायनासोर के बीच लगभग 50 से 60 लाख वर्ष का अंतर है, मगर हम रॉक पेंटिंग और प्राचीन काल के अन्य रूपों की संरचना देख सकते हैं, जो मनुष्य से परिचित हैं और डायनासोर के साथ रहते हुए दिखते हैं। तो दोस्तों, जानकारी कैसे लगी प्लीज कमेंट कीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।